नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस टू जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में, जिसमें हम 10th भाव या सैटर्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाता है तो उसको कैसे जर्नलाइज रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, किन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर 10th और 5th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है या 10th का लॉर्ड 5th हाउस में जाता है तो प्रोफेशन में कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, संतति में कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, संतान कैसी होगी, और साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इस चीज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जातक की अपनी संतान होगी या दस्तक पुत्र होगा या वो अडॉप्शन के लिए जाएगा, और क्या कोई जातक जो है वो तंत्र साधना की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर तंत्र साधना की तरफ जाता है तो वो सौम्य तंत्र की तरफ जाएगा या जो एक अग्रेसिव फॉर्म होती है तंत्र की, तामसिक या राजसिक तंत्र है, वो उसकी तरफ जाएगा। इन सब चीजों पर हम एक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। ठीक है जी, तो टुडे हम बात करेंगे कि 10th लॉर्ड जो है अगर त्रिकोण में, अभी तक हम केंद्र में अगर हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा उसकी बात कर रहे थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर दशम का स्वामी जो है वो पंचम या नवम के साथ संबंध बनाता है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि दशम का जो केंद्र है, दशम भाव का जो केंद्र है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव में माना जाता है। ठीक है, तो जातक को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि जब मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ या पाप प्रभाव के अंदर दशम का स्वामी या पंचम का स्वामी आएगा, वहां पे पाप प्रभाव आ जाएगा, तो रिजल्ट्स जो हैं वो काफी वेरी कर जाते हैं। ठीक है ना, पंचम भाव जो है वो पूर्व पुण्य का भाव है, पूर्व पुण्य के फलित होने का भाव है। ठीक है, और दशमेश जो है हमारा 10th का लॉर्ड जो है वो कर्माधिपति है। जब दशम का स्वामी पंचम भाव में जाता है, जो कि एक केंद्र त्रिकोण का संबंध वहां पे स्थापित होता है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि जातक के जो कर्म है वो उसके पूर्व से और उसके पास जो पूर्व जन्म के कर्म है उनसे प्रभावित होंगे, और उसकी जिससे उसके आगे फ्यूचर की लाइफ भी उससे प्रभावित होगी। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक बात है कि जहां हमारा पास्ट जुड़ा है वहीं हमारा फ्यूचर जुड़ा है ना। जी इट इज सर, अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू से, इसको ऑब्जर्व अगर किया जाए कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे अतीत पे निर्भर करता है। पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य को भी दिखाता है, हमारी संतान का भी है जो कि हमारा भविष्य भी है, राइट? जी सर, तो इससे ये प्रमाणित तो होता है कि जो जिंदगी है ये कर्मों की निरंतरता जुड़ी हुई एक कड़ी है। ना ही हम अपने अतीत से भाग सकते हैं और ना ही हम बिना अतीत के प्रभाव के किसी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना जी, जी सर, पास्ट और फ्यूचर से कर्माधिपति जो है आपके
काल पुरुष कुंडली के 10th भाव उसका संबंध बन जाता है, जो कि एक ओवरऑल एक अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक है, कोई भी प्लेसमेंट जो है किसी ना किसी अगर हम प्रभाव में देखें तो वो अच्छी होती है, या किसी प्रभाव में कहीं वो वीक भी नजर आती है। ठीक है, 10th का लॉर्ड जब 5th में जाता है तो वो पूर्व पुण्य के स्थान पे चला जाता है। एक तो वो ये इंडिकेट करता है कि ऐसा जो जातक है उसके जो आज के कर्म है उस पे उसके पूर्व कर्मों का, पास्ट लाइफ के कर्मों का, पुण्यों का जो है बहुत ही गहरा प्रभाव है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ रहा है। जो उसके पूर्व के कर्म है उसको वो इस जीवन काल में काफी हद तक जो है भोगेगा। ठीक है ना जी, जी सर। क्योंकि ये विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का संगम भी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो हमारे लक्ष्मी स्थान है ना, वो हमारे पूर्व के कर्मों पे डिपेंड करते हैं। हाँ के ना, जी सर। जहां हम कुछ कर नहीं सकते, राइट, जो हमारी पूर्व की जिंदगी है, हमारी संतान है, क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? जी सर। संतान होगी नहीं होगी? आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो संतान की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। उनके पास दुनिया की हर सहूलत है, पैसा है, हर फैसिलिटी है, फिर भी वो संतान की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना ही ये कंट्रोल है कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी या कन्या की प्राप्ति होगी। ठीक है, ना ही इस बात पे कंट्रोल है कि हमें संतान की प्राप्ति नेचुरल वे में होगी या हम अडॉप्शन करेंगे, राइट, है ना। जी सर। और सबसे बड़ी बात जो है, पुत्र संतान हो जाए या कोई भी किसी भी किस्म की संतान हो जाए, वो भविष्य में जन चल के बुढ़ापे का सहारा बनेगी या नहीं बनेगी, इसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। जी सर। जो लक्ष्मी स्थान है, भाग्य हमारा कैसा है? 9th हाउस। ठीक है, वो सब पूर्व पुण्य से जुड़ा हुआ है। पिता हमारे कैसे होंगे, हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारी ट्रैवलिंग कैसी होगी, हमारे सिद्धांत कैसे होंगे, हमारी इनकम कैसी होगी, है ना। जहां जहां बृहस्पति जिस जिस घर का कारक है वो सीधा सीधा आपस में पूर्व पुण्य से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्व के कर्मों से हमारे जुड़ेंगे, जितने भी खासकर जो लक्ष्मी स्थान है। हमारा लग्न ही ले लो, वो केंद्र भी है, राइट, वो केंद्र भी है और वो त्रिकोण भी है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई कि एक भाव ऐसा है जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी, वो आपको भी रिप्रेजेंट करता है, आपके जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, फिजिकल जो आपकी अपीयरेंस है उसको सिग्निफाई करता है, राइट। जी सर। और हम एक जगह कह रहे हैं कि जो हमारे लक्ष्मी स्थान है वो पूर्व पुण्य से जुड़े हुए हैं, जिनको वही कह, जो पीछे से आ रहा है वो हमें प्रसाद समझ के लेना ही पड़ेगा, क्यों, है ना। तो केंद्र स्थान जो है विष्णु स्थान है, क्या जो केंद्र स्थान है हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे केंद्र स्थान है वो हम अपने एफर्ट से उनके रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, इजेंट इट, क्योंकि है कुछ ऐसा लग रहा इंद्र जो होता है वो एक्शन ही होता है ना। है, वहीं पे हमें एक्टिव रहना होता है, वहीं पे हमारा बस चलता है।
दैट इज द मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है, जहां हमारा जो लगन है वो हमारा केंद्र भी है और हमारा त्रिकोण भी है। जैसी काया हम लेकर पैदा हुए हैं, जैसी पर्सनैलिटी हम लेकर पैदा हो रहे हैं, दैट इज बाय द वर्च्यू ऑफ अवर पूर्व कर्मस। कोई जन्म से ही बेचारे छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको कोई बीमारी होती है या वो किसी ना किसी चीज से जूझ रहे होते हैं, किसी मेडिकल कंडीशन में होते हैं। कुछ लोग शुरू से ही बहुत हेल्दी और तंदुरुस्त होते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा केंद्र का वहां पे इन्फ्लुएंस है, उस स्थिति को हम अपने एफर्ट से काफी हद तक बदल सकते हैं। अगर हम दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, हमारी पर्सनालिटी में कोई त्रुटि है, तो जब हम वहां पे अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो हम उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव होती रहती है। जैसे ठीक एफर्ट्स हम डालते हैं वैसी पर्सनालिटी उस दिशा में जाती है। कई लोग हेल्दी होते हैं पैदाइश में, लेकिन आगे जाके कोई मोटा हो गया, किसी की तोंद निकल आई, किसी को बीमारियां लग गई, उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है ना। जी सर, कई लोग होते हैं कि दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो इतना प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं अपनी लाइफ में कि वो अच्छी खासी सेहत पहलवान टाइप बन जाते हैं। मतलब अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेते हैं, आई मीन टू से, और साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, है ना। जी सर, ठीक है, तो 10th हाउस और 5th हाउस का जब संबंध बनता है, 10th का लॉर्ड 5th में जाता है, तो एक चीज ये दिखाता है कि ऐसा इंसान बाय बर्थ ही एक स्टेटस लेकर भी पैदा हुआ है ना। अच्छे कर्म की तरफ उसका इंक्लिनेशन रहती है, ठीक है, मंत्र सिद्धि तंत्र की तरफ उसकी इंक्लिनेशन रहती है, झुकाव रहता है, वाक सिद्धि, दूर दृष्टि। पंचम जो भाव है वो दूर दृष्टि का भी। तो जो 10th हाउस पंचम में जा रहा है, इफ इन गुड कंडीशन, ठीक है ना, तो ऐसा इंसान एक दूरदृष्टा भी होता है। वो किसी भी चीज को लंबे समय तक चला सकता है। 5th हाउस ये भी है कि किसी भी चीज को हम कितने समय तक कर पाएंगे, हम जल्दी उससे ऊब जाएंगे या उसको हम एक अच्छी इंड्योरेंस के साथ लंबे समय तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर 10th का लॉर्ड 5th के अंदर है, ठीक है, और अच्छी कंडीशन में है, ठीक है जी, तो ऐसा इंसान एक बड़ा लीडर या एक ऐसी पर्सनैलिटी भी आगे जाके बन सकता है जिसके काफी फॉलोअर्स हो। शनि पे सूर्य का प्रभाव हो, बृहस्पति का भी प्रभाव आ जाए, शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, खासकर बृहस्पति का, है ना। तो ऐसा इंसान एक अच्छा लीडर बन सकता है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो। आमतौर पे शनि और सूर्य का अगर कनेक्शन होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ ऊपर गवर्नमेंट जॉब के लिए तो होता है ना? गवर्नमेंट जॉब वो दिखाता है कि अपने पिता का अनुसरण करना, राज्य से जो है लाभ प्राप्त करना, ठीक है, जी ठीक है जी। सर, लेकिन 10th का लॉर्ड है, 5th के साथ है, तो यहां पर इंसान का ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा इंसान अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग होगा। जब वो अपने कर्मों के प्रति सजग है, पैशनेट है कर्म करने के लिए, ठीक है, तो नेचुरली ऐसे इंसान को फॉलो करने वाले बहुत होंगे ना। सूर्य ख्याति भी तो है ना, लोग एडमायर करेंगे उनको, हाँ जी,
लोग एडमायर करेंगे मतलब ऐसे आदमी को। सूर्य ख्याति भी है, शनि कर्म है, कर्मों के बिना तो काम चलता नहीं है, 10th हाउस के बिना तो काम चलेगा नहीं आज के युग में। सर वहां जैसे अब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर अच्छी दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति का कोई साथ हो जाए, संबंध हो जाए, राइट, तो नेचुरली ऐसा इंसान जो है एक अच्छा लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है उसके, है कि नहीं? जी सर लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? लोग उसको खुद लीड बाय एग्जांपल मतलब अपने लीड बाय एग्जाम्पल, और सबसे पहला सैक्रिफाइस ही लीडर को करना पड़ता है। सैक्रिफाइस करना है। बोलते हैं शनि और सूर्य मिलता है तो शुक्र का नाश होता है, शुक्र खराब हो जाता है। तो ऐसा इंसान संचय करने के बारे में थोड़ा सोचेगा फिर, या अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सोचेगा। इफ ही इज अ लीडर, ही और शी, कोई भी अगर एक लीडर है तो लीड तो एग्जाम्पल से किया जाता है, और सबसे जो पहला मतलब सैक्रिफाइस करने के लिए सबसे पहले लीडर ही आगे आता तो फैमिली नेग्लेक्ट जाती है उस केस है, राइट, में। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऐसा इंसान जो है उसकी आयु लंबी होती है, उसकी संतति भी की संतति के लिए भी बहुत अच्छा है, बशर्ते कि कोई पाप प्रभाव ना आए, अफ्लिक्शन में ना जाए। उसके जो बच्चे होंगे वो भी एक अच्छा स्टेटस और पॉपुलैरिटी जो है गेन करेंगे, ठीक है जी। जी सर प्रोफेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर 10th का जो लॉर्ड है 5th में है, और वो नवांश के अंदर लगन से 6th हो जाए, 8th हो जाए और 12th हो जाए, लेकिन अच्छी पोजीशन पे बैठा हो हॉरोस्कोप में, तो ऐसा इंसान ना मतलब दानी टाइप का होता है, मतलब समाज के लिए कुछ करता है, जैसे ऑर्फनेज ओपन करना, अनाथालय, ठीक है ना, मंदिर का कोई निर्माण करवाना, अच्छे कार्यों में संलिप्त रहना, ओल्ड एज होम वगैरह बनाना जिससे समाज की भलाई हो, ठीक है ना जी। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि 6-8 का संबंध भी है पंचम और दसम का, षडाष्टक पोजीशन आ जाती है ना जी, जी है ना। सर तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसा जो इंसान है उसको अपनी लाइफ में सुख और ख्याति जो है वो शादी के बाद प्राप्त होती है, अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों द्वारा। ठीक है, जी अब सर 10th का लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जा रहा है, जो कि एक लक्ष्मी स्थान है, वो ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसा इंसान परमात्मा में विश्वास करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, और वर्ल्डली लेटर जो उसकी लाइफ है पार्ट है उसमें उसको अच्छे दुनियावी सुख भी मिलते हैं। क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न क्या है, वृद्ध है, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, सूर्य क्या है, ख्याति है, रिकॉग्निशन है ना, लॉयल्टी है, रॉयल्टी, रॉयल्टी भी है, रॉयल स्टेटस को भी दिखाता है, इन द सेकंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ उनको अच्छी सक्सेस मिलती है, ठीक है ना जी। अब अगर 10th का लॉर्ड 5th के अंदर है, अगर तो वो पावरफुल प्लेनेट से कनेक्टेड है, अच्छे उस पे प्रभाव आ रहा है, एफ्लिक्शन नहीं हो रही है, तब तो वो एक अच्छा स्थान देता है।
लेकिन वो नीच का हो जाए, पाप प्रभाव में चला जाए, मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं। टेंथ का लॉर्ड अगर फिफ्थ में है और पाप प्रभाव में आ रहा है तो प्रोफेशनल फील्ड में ब्लॉकेजेस दे देगा बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब अचानक जो है अड़चने आती रहें, दिक्कत आ जाए कोई ना कोई, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है। ठीक है, किसी एक प्रोफेशन में सेटल नहीं हो पाता इंसान। अगर ऐसा इंसान बहुत एफर्ट्स करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसके जो सीनियर्स होते हैं है ना, या उसके जो सुपीरियर्स होते हैं, उससे उसके जो मतलब ऊपर उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द एफर्ट्स, किसी ना किसी बात पे कोई मतभेद हो जाता है। ठीक है, अब पंचम भाव जो है अष्टम है टेंथ से, ठीक है ना, तो उसको हैम्पर करता है। जब कब करेगा, जब उस पे एफ्लिक्शन हो जाए। अगर सपोर्टिव प्लैनेट्स आ रहे हैं, एफ्लिक्शन में नहीं है, जैसे मतलब राहु केतु का प्रभाव आ जाए, केतु का प्रभाव आ जाए, राहु का प्रभाव आ जाए, ठीक है, या उसको कोई बृहस्पति की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो ये सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। राइट, ठीक है जी। जी सर, अब नॉर्मली सन एंड जो सूर्य है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, पिता पुत्र की नहीं बनती। सबसे पहले तो क्या सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो तो सबके घर में यही हाल है, पिता पुत्र की बननी रही है। आपने भी हॉरोस्कोप्स देखे होंगे, बहुत बार हाँ आपको हॉरोस्कोप्स मिलेंगे कि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है फिर भी बड़ा अच्छा चल रहा है। यहां पे ये चीज आप अप्लाई करके देखिए कि अफ्लिक्शन है या नहीं है। अगर अफ्लिक्शन नहीं है, सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, ठीक है, योग कारक प्लैनेट्स का साथ हो रहा है, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर वो अफ्लिक्शन में चले गए, अब राहु के इन्वॉल्वमेंट हो गई, 8th का लॉर्ड आ गया, 12th का लॉर्ड आ गया, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो सकती है, 6th का लॉर्ड आ जाए साथ में, ठीक है ना जी। जी सर, फिर अगर हम ये देखें कि 10th का स्वामी जब पंचम के साथ जाके स्थापित हो जाता है, पंचम भाव में चला जाता है, तो पंचम भाव हमारी संतति को भी रिप्रेजेंट करता है, 10th जो है हमारे कर्मास को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पुत्र के, तो एक ये यहां पे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है संतान प्राप्ति। क्योंकि अगर पुत्र होगा या संतति होगी तभी उसके कर्म बहुत स्ट्रांगली आपसे जुड़ेंगे, एक कार्मिक संतान मिलेगी आपको। राइट, ठीक है ना जी। जी सर, ये जो साइन है, जो ये भाव है, ये स्पेकुलेशन का भी है, ठीक है, तो ऐसा इंसान स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट वगैरह इस चीज में इन्वॉल्व होना, पंचम में शनि है फिर भी शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है इंसान। राइट, जी सर, स्पेकुलेशन में ब्रोकरेज का काम करना, ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 10th का जो भाव, 10th का जो स्वामी है, वो जब 5th हाउस में चला जाता है, ये पुत्र संतति के लिए बहुत एक अच्छा योग है, संतान होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि जो कर्माधिपति है वो जाके 5th भाव में चला गया, पंचम भाव में चला गया, तो उसको एक संतान की जो प्राप्ति है वो जरूर होती है। अच्छा, मतलब इसका ये नहीं है कि मतलब
हम एक नॉर्मल कर्मों को ले लेते हैं, पुत्र का अपने पिता के प्रति एक ये है कि पुत्र का सबसे बड़ा जो कर्म अपने पिता के प्रति है कि उसको मोक्ष दिलाता है, अंतिम जो संस्कार संस्कार होता है। तो बोलते हैं कि जिसका पुत्र, जो हमारी संस्कृति में बोला जाता है कि वो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती को चांस मिलेगा करने का, पिता का संस्कार अच्छा होने का चांस आ है, जाएगा। अच्छे से अपने पिता के लास्ट राइट्स अच्छे से करेगा, अच्छा अपने पिता की देखरेख करेगा, उनके लास्ट जो कर्म है वो अच्छे से करेगा, अच्छा अच्छे सही तरीके से उनकी सदगति करवाएगा, ठीक है ना जी। अब अगर यहाँ अफ्लिक्शन हो जाए, हाँ जी, सर जैसे 10th में कोई 10th का लॉर्ड है और 5th में कोई भी सिर्फ राशि है, कोई ग्रह नहीं है, फिर कैसे जी? जैसे 10th में कोई नंबर है और 5th में भी सिर्फ नंबर ही है, ग्रह नहीं है, फिर हम कैसे देखेंगे? तो पंचम और दशम का संबंध नहीं बना ना, लेकिन दोनों सेम राशि हो एक ही उधर, ग्रह हो तो हाँ मतलब नेचुरली तो वो उसकी एनर्जी है, उसकी नेचुरल जो है मतलब स्ट्रेंथ बन रही है कि दोनों हाउस कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि मकर में होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे शुक्र की पोजीशन आप देखेंगे कि वो कैसी जा रही है। शुक्र अगर अच्छा बैठा है, सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, अच्छी संतान होगी, सेवा करेगा, अच्छे लास्ट राइट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, संतान का जो एक पक्ष है वो मजबूत पक्ष है जो ब्लैंक चार्ट की हॉरोस्कोप का जा रहा है। लेकिन साथ में हमें शुक्र की पोजीशन भी देखनी चाहिए, शुक्र अफ्लिक्शन में तो नहीं चला गया, शुक्र जी नीच का ना हो गया, शुक्र अगर अफ्लिक्शन में चला जाए, दिक्कत हो जाए, तो फिर वो संतान में और प्रोफेशन में दिक्कत देगा, राइट? समझ गए जी। जी सर अगर यहां पे अफ्लिक्शन है तो वो एक दस्तक पुत्र जो है उसको भी दिखाते हैं, अडॉप्शन को भी दिखाते हैं, जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है ना जी। अब किसके पास दस्तक पुत्र हो सकता है? पंचम का अगर कोई कनेक्शन नवम से भी बनता है तो ये एक कनेक्ट मतलब वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस हो जी सर, सकता है कि फिफ्थ से फिफ्थ हो गया वो। फिफ्थ से फिफ्थ हो गया, हाँ है ना, कि दस्तक पुत्र द्वारा जो लास्ट जो राइट्स हैं वो परफॉर्म हो। 10th, 9th, 5th, देखिए नवम भाव दशम से वैसे ही 12वें हो गया, जी सर, पंचम जो है वो दशम से 6-8 पे बैठा है, इट इज द 8th हाउस, ठीक है ना। जी अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आप देख रहे हैं, साथ में जो शनि बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा हो 10th लॉर्ड के साथ, ये भी आ जाए और चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए, सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन इन अ 5th हाउस अफ्लिक्शन में अगर जा रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, वो भी इंडिकेट करता है कि बच्चा जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपने क्या बोला कि सन मून एफ्लिक्टेड हो तो पेरेंट्स नहीं हुए, ठीक है, और एक क्या बोला आपने कि बुध का कॉम्बिनेशन शुक्र से आ देखिए जाए, 5th हाउस में 10th का लॉर्ड हो और उसके साथ शनि और बुध का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये भी एक अडॉप्शन का योग है। शुक्र का क्या सन मान मून। लीजिए 6th का लॉर्ड अगर 5th में आ रहा है, वहां सैटर्न भी बैठा हुआ है, एक तो 6-8 का योग वैसे ही है, ठीक है। और जो सेकंड हाउस जो होता है ना, किसी भी हाउस को सेकंड हाउस को आगे बढ़ाता है, अच्छा वो अपने से 12वें आ गया, राइट? जी तो दिक्कत हो जाएगी।
चंद्रमा यहाँ पे, मैं एक चीज यहाँ पे, ये पहले भी है तो यहाँ एक चीज ऐड कीजिए कि शनि चंद्र का, चंद्र जो है पंचम से वैसे ही 12वां घर है, चंद्रमा गर्भ भी है शनि का, वहां अगर उससे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, गर्भ में गर्भाशय में दिक्कत, और ये अडॉप्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर एक बार आप ये फिर से एक्सप्लेन करना आप कि अगर 10th लॉर्ड इज इन द 5th हाउस, मान लो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, फिर उसमें 6th लॉर्ड मर्करी और वीनस भी ऐड कर क्योंकि 2nd लॉर्ड है भी आ नहीं, जाए और सैटर्न जून, मरकरी, मरकरी को अगर हमने लॉर्ड कर दिया और ऐड कर दिया बुध हाँ, और शुक्र को, भी ऐड हो और गया। नवम का भी संबंध बन गया, तो अच्छा ये भी एक अडॉप्शन का दस्तक पुत्र होने का योग बनेगा। शनि और चंद्र हो, ये भी एक दस्तक पुत्र का योग बनाता है, अडॉप्शन का योग बनाता है। अच्छा कि गर्भ, अच्छा उसको उसकी ये, अच्छा बिल्कुल ठीक है सर, मैंने देखा हुआ है लेडी के हॉरोस्कोप पे, इसको होता है बहुत लोगों के बट उनको प्रॉब्लम है। सर 5th हाउस में ही होना चाहिए ना ये कंपलसरी? 5th हाँ जी, हाउस में ही होना जरूरी है ना ये चंद्र और शनि का? हाँ, चंद्र शनि का देखिए प्रॉब्लम हो या शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन हो तो गर्भाशय से दिक्कतें भी देगा। उस रीजन से फिर वो अडॉप्ट करेंगे ना, यस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस। ठीक है ना जी। अब अगर यहां पे 7th लॉर्ड को भी आपने ऐड कर लिया तो ये भी हो सकता है कि जैसे कई लोग होते हैं उनकी फर्स्ट मैरिज चलती नहीं है, फिर वो सेकंड मैरिज करते हैं, तो जिससे मैरिज हो रही है उसका ऑलरेडी हस्बैंड है, ऑलरेडी संतान है, सॉरी सॉरी, अच्छा फर्स्ट हस्बैंड से, फर्स्ट हस्बैंड से ऑलरेडी उसकी संतान है, जी सर, तो दत्तक पुत्र हो गया। वो भी दस्तक पुत्र हो गया, लेकिन 7th का जो इन्वॉल्वमेंट होने से, ठीक है, तो यहां पे है कि ऑलरेडी हैविंग अ सन, किसी और का संतान पाल रहा है, यहां पे अगर पाप प्रभाव ज्यादा आ जाएगा तो कई बार ये जैसे होता है कि उसका पुत्र नहीं है सामाजिक तौर पर, मतलब सामाजिक उस पर कुछ गड़बड़ वो वाला सीन है, बट स्टिल वो उसको पाल रहा है। जुपिटर मून, जुपिटर और मर्करी के कॉम्बिनेशन में नहीं होता ये? जुपिटर मरकरी और चंद्र का कॉम्बिनेशन हो जाए। हाँ अच्छा, अब ध्यान से अगर यहां पे देखें, नवम 6th और चतुर्थ का कॉम्बिनेशन है ना, 6th पंचम भाव को आगे बढ़ाता है, वो गड़बड़ हो गया। 9th का हमने बोला था कि 10th 5th और 9th का, 5th और 9th का संबंध बन रहा है तब भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जो चंद्र है वो पंचम से वैसे ही 12वें पढ़ रहा है, जी सर, तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो क्या बोलते हैं कि नजायज संतान। ये जुपिटर मरकरी और मून वही हो गया ना हाँ जो 9, 6 हाँ और 4th। ये खासकर जब ये डुअल साइन में हो, अच्छा, हाँ ये है पॉइंट। दैट इज अ मेन पॉइंट ऑफ दिस थिंग। जब कॉम्बिनेशंस के अंदर डुअल साइन आ जाएगा ना तो डुअलिटी आ जाएगी, और यहां पे जैसे बोला कि शनि के साथ बुध है और नवम से संबंध बन जाए, नवम पंचम दसम 6th नवम, मतलब कि दसम और पंचम के जो कर्म है उसमें डुअलिटी आ गई। क्यों? बुध अपने आप में डुअलिटी का वो है इंडिकेटर, 6th का लॉर्ड है वो भी डुअल, 9th का लॉर्ड है वहां भी डुअलिटी है, और अब ये कॉम्बिनेशन अगर डुअल साइन में हो जाए, द्वि स्वभाव राशि के अंदर हो जाए, तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो जाती है।
कि शनि, सूर्य, जुपिटर और मरकरी अगर ड्यूअल साइन में आ जाते हैं साथ में, हाँ ये प्रबल प्रोबेबिलिटी बन गई टू हैव इलेजिटिमेट चाइल्ड या वाइफ अडॉप्ट अडॉप्टेड चाइल्ड। ऑफ। देखिए, अगर अगर कोई, जिसे हम नजायज संतान वाला केस बोल देते हैं, उसके अंदर पालन पोषण कर रहा है, तो वो एक तरह से अडॉप्शन ही है ना वो। अडॉप्शन ही सही है। अब इसमें पाप प्रभाव आ जाएगा इस कम्बिनेशंस में, तो वो वही छुपी हुई चीजें, अनइथिकल चीजें, नॉट सोशली एक्सेप्टेड चीजें, ऐसी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जी सर, जी सर, ठीक है। जी सर, उसके बाद अगर 10th लॉर्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है पंचम के अंदर, और बेनिफिक प्लैनेट्स साथ दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता का योग है प्रोफेशन। ठीक है ना जी। और दशम का स्वामी अगर पंचम के साथ हो, तो ये इंसान को तंत्र पूजा की तरफ भी लेके जाता है, तांत्रिक सिद्धियों की तरफ भी लेके जाता है। अगर कोई सौम्य ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो ऐसा इंसान फिर सौम्य तंत्र या सात्विक तंत्र की तरफ जाता है। और अगर कहीं राहु केतु का प्रभाव आ जाता है, तो ऐसा इंसान फिर तामसिक और राजसिक साधनाएं करने लगता है, जो कि काफी डेंजरस भी होती हैं, और अलग अलग रूप में सिद्धियां करता है, जैसे कोई मोहिनी सिद्धि करता है, इंद्रियाण सिद्धि करता है। ठीक है ना। जब पंचम 10th का के ऊपर, पंचम और 10th के ऊपर राहु या केतु का प्रभाव आ जाए, या बहुत ही मेलेफिक प्लेनेट का प्रभाव आ जाए, तो ऐसा इंसान फिर तामसिक सिद्धियों की तरफ भी चला जाता है, जी तंत्र मंत्र करने लगता है। 10th जो हाउस है, उसमें अगर मंगल हो, मंगल ठीक है ना, 10th लॉर्ड अगर 5th हाउस में है, सॉरी, वहां मंगल का प्रभाव आ रहा है, मंगल इज लग्न 8th हाउस। ठीक है, पंचम है किसी चीज को सस्टेन करना, लंबे समय तक करना। 10th हमारा कर्म है, और 10th हाउस में अगर मेष साइन, मेष का साइन आ जाए, तो ऐसा इंसान जो है डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है। वैसे भी अगर मंगल पंचम में हो, तो जो है वो एक हीलिंग के साथ जुड़ने के चांसेस हैं, हीलिंग प्रोफेशन। जैसे कि कोई हर्ब्स का काम करता है, कोई दवाइयों का काम कर रहा है, कोई दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर का काम कर रहा है, पंचम में अगर मंगल भी आ जाए। अगर सूर्य और मंगल का संबंध जो है वो राहु से हो जाए, तो भी ये डॉक्टर बनने के बहुत अच्छे चांसेस है, एक फेवरेबल कनेक्शन है। सूर्य, शनि, मंगल, इट इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर अ डॉक्टर। ठीक है जी। जी सर।